एनएसई क्या होता है और बीएससी क्या होता है आज आप जानोगे इस वीडियो पे। आपको शेयर्स को एनएसई या फिर बीएससी किस में बाय करना चाहिए, किस में आपको ज्यादा फायदा है, ये भी आप जानोगे इस वीडियो पे। एनएसई और बीएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके इस वीडियो पे सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब में और कोई भी दूसरा वीडियो या फिर इस टॉपिक में आपको और कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आज मैं आपको इसी वीडियो पे सारे डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो आप यही जान लो कि एनएसई और बीएससी क्या होता है। एनएसई और बीएससी जो होता है वो एक स्टॉक एक्सचेंजर होते हैं, ये स्टॉक ब्रोकर्स नहीं होते। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, बट ये स्टॉक ब्रोकर्स नहीं, एक्सचेंजर होते हैं। एक्सचेंजर का मतलब जो बायर्स और सेलर्स के बीच सेटलमेंट का काम करते हैं। जैसे कि आप सिनेमाघर में जाते हो तो वहाँ पे एक टिकट काउंटर होता है ना, उसी तरीके से एनएसई और बीएससी भी होता है। एनएसई और बीएससी के जैसे और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजर होते हैं। इंडिया में 23 स्टॉक एक्सचेंजर होते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ एनएसई और बीएससी को ही जानो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एनएसई और जो बीएससी होता है उसी से शेयर्स को बाय और सेल ज़्यादा किया जाता है। एनएसई का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई और बीएससी दोनों में ही कंपनियाँ रजिस्टर होती है। जैसे कि एनएसई में टोटल 2000 प्लस कंपनी रजिस्टर है और बीएससी में 5500 प्लस कंपनियाँ रजिस्टर है। एनएसई जो होता है वो इंडिया का सबसे बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंजर है, उसी तरह बीएससी एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंजर है। आपने शेयर मार्केट में इंडेक्स के बारे में तो सुना ही होगा। इंडेक्स अगर आपको नहीं पता तो आपने निफ्टी 50, निफ्टी, सेंसेक्स इन सभी नामों को तो जरूर से सुना होगा। तो इसी तरह जो एनएसई का बेंचमार्क होता है वो होता है निफ्टी 50 और इसी तरह बीएससी का जो बेंचमार्क होता है वो होता है सेंसेक्स। अब ये इंडेक्सेस क्या होते हैं और निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या होते हैं, तो देखो एनएसई के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज होते हैं ना वो सब मिलकर एक इंडेक्स बनाता है जिसको बोलते हैं निफ्टी 50। इसी तरह बीएससी में भी जो टॉप कंपनीज होती हैं उनसे मिलकर एक इंडेक्स बनता है जिसको बोलते हैं सेंसेक्स। एनएसई में निफ्टी 50 के अलावा और भी बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि निफ्टी बैंक, फाइन 50, एनएसई मिड कैप, एनएसई स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इस तरीके के इंडेक्सेस होते हैं। इसी तरह बीएससी में भी और बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि सेंसेक्स के अलावा होता है 500, बीएससी स्मॉल कैप, बीएससी मिड कैप, इस तरीके के जो इंडेक्सेस हैं वो बीएससी में होते हैं। ग्लोबल रैंक की बात करें तो एनएसई आता है टॉप 11 पे, इसी तरीके से बीएससी आता है टॉप 10 पे। एनएसई और बीएससी दोनों का ही जो मेन हेड ऑफिस है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। तो आई थिंक इतने में आपने एनएसई और बीएससी को समझ लिया होगा। अब बात करते हैं कि आपको शेयर्स किस में बाय करना चाहिए, एनएसई में या फिर बीएससी में। तो इसका एकदम सिंपल सा जवाब है, आप दोनों में ही शेयर्स को बाय कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको ज़्यादा टेंशन सोचने की जरूरत नहीं है। देखो एनएसई में भी आप शेयर्स को बाय कर सकते हो और बीएससी में भी आप शेयर्स को बाय और सेलिंग कर सकते हो, लेकिन ये आप जान लो कि किस में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। कंपनीज की बात करें तो बीएससी में ज़्यादा कंपनी रजिस्टर है और एनएसई में कम कंपनी रजिस्टर है, लेकिन जो वॉलेटिलिटी है वो एनएसई के अंदर ज़्यादा होती है। मतलब जो कि भाई देखो इंडिया का टॉप एक्सचेंजर है, इसलिए इसमें वॉलेटिलिटी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा होती है एनएसई के अंदर। तो एनएसई में बायर और सेलर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो आप जैसे कि शेयर्स को बाय करोगे तो उसे खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, मगर जब आप उसे बेचोगे तो खरीदने वाला भी होना चाहिए। तो इसीलिए एनएसई के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होता है। वॉलेटिलिटी मतलब बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी, इसी को हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। तो ये एनएसई के अंदर ज़्यादा होती है। तो अब आप सोच लो कि आपको किस में ज़्यादा शेयर्स को बाय और सेल करना चाहिए। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि एनएसई से शेयर्स को बाय करके बीएससी में भी सेल कर सकते हो और बीएससी से शेयर्स को बाय करके आप एनएसई में भी सेल कर सकते हो, लेकिन आप उसे कुछ टाइम पीरियड बाद सेल करते हो तो इसमें आपको थोड़ा बहुत चार्जेस जो है वो पे करना पड़ जाता है, लेकिन चार्जेस ज़्यादा नहीं होते। तो इसलिए आप बिंदास किसी में भी अपना शेयर को बाय और सेल कर सकते हो। एनएसई और बीएससी दोनों ही बेस्ट है। आई होप यहाँ तक आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इतना अगर आपने समझ लिया तो आपको एनएसई और बीएससी को इससे ज़्यादा जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो तो गूगल करके देख सकते हो एनएसई और बीएससी और क्या होता है, तो इसके बारे में आपको और भी बहुत सारे रिजल्ट जो है वो मिल जाएंगे। तो इससे ज़्यादा आपको जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बस ये एक स्टॉक एक्सचेंजर होते हैं, बाइंग और सेलिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो एनएसई और बीएससी में बस इतना ही था और कुछ भी नहीं है। तो आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आगे ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे।